हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। लगता है अब देहांत हो ही गई हमारी डेमोक्रेसी की। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताते हैं और हमारी रैंकिंग धीरे धीरे 51 नंबर पर पहुंच गई है, 51 रैंक। हम डेमोक्रेसी के मामले में 51 रैंक पर आते हैं, है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी सर यही होता है कि आपको बोलने की आज़ादी कितनी है, आप अपने परिवार में कितना बोलते हैं, है ना, कितनी बोलने की आज़ादी है, आपके पापा आपका बात सुनते भी हैं। अगर मान लो नया फ्रिज लेना है, आपकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, किस लड़के से होगी, है ना, तो अगर आपकी बात सुनी जा रही है तो सर परिवार आपका डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर बातें आपकी नहीं सुनी जा रही हैं तो आपका परिवार डेमोक्रेटिक नहीं है। सो सिंपल सी बात। सेम अगर समाज में आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आपको बोलने दिया जा रहा है तो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, रादर अगर आप बोल रहे हैं और आपको बोलने से रोका जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल है, तो सबसे पहले बताऊं कि एंटी नेशनल सरकार के खिलाफ बोलना का मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है, दोनों अंतर है। जैसे मैं कह ही सकता हूं कि ये सरकार चोर है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इंडिया चोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये चोर है, है ना। और इस बात को कहने के लिए आज़ादी होनी ही चाहिए। इसी डेमोक्रेसी को सिक्योर किया था हमने 1950 में, जब हमने अपना संविधान बनाया, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना। तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस करप्ट थी, बेकार थी, घोटाले कर रही थी, स्कैम कर रही थी, लेकिन आप उसके समय, कांग्रेस के समय आप ज़्यादा वोकल थे, आप बोल पा रहे थे अपनी बातें, आप ट्वीट कर पा रहे थे अपनी बातें, आप कमेंट कर पा रहे थे कुछ, आपके ऊपर अपनी ओपिनियन लादी नहीं जा रही थी, आप अपने ओपिनियन के रूप में फ्री थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 40 साल दिया हमारे इंडियन आर्मी को, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय। इन्होंने बहुत साल, 40 साल लगभग काम किए, जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था 15-16 जून के आसपास, तो इनको बहुत दुख हुआ। इन्होंने एक ट्वीट किया कि मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, या ये जो हमारे ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है इससे मैं बहुत दुखित हूँ, ऐसा एक उन्होंने ट्वीट किया। फिर आप देखो कि उसका ट्वीट का जवाब क्या आता है, किसने ट्वीट किया है, जिसने 40 साल सेवा की है आर्मी की, उसके ट्वीट का जवाब देता है कोई एक इंसान जिसका ट्विटर हैंडल का नाम है जय हिंद, और क्या लिखता है, यह है लैंग्वेज और यह है हमारी डेमोक्रेसी। कौन किसको जवाब दे रहा है? एक व्यक्ति जो 40 साल सेना में दे चुका है उसका जवाब दे रहा है एक इंसान जो जय हिंद लिख के रखा है। क्या ये सच में नेशनलिज्म है? कौन नेशनलिस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय नेशनलिस्ट हैं या ये व्यक्ति जिसने जय हिंद लिख के रखा है? किसने नेशन के लिए काम किया है और कौन किसी पार्टी के मकसद के लिए काम कर रहा है? हो ही सकता है कि वो दुखित है, है ना। तो इसमें अपनी मर्जी थोपने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। एक वक्त था जब मोदी जी अपोजिशन में थे और वो हर मुद्दे पे बोलते थे, वो पेट्रोल हो। कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें, या चाइना हो, सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। या पाकिस्तान हो, किसी भी मुद्दे पे वो छोड़ते नहीं थे। तो जब आप क्रिटिसाइज कर रहे थे तो आपको क्रिटिसाइज करने दिया जा रहा था, आप जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे
तो आप एंटी गवर्नमेंट हुए ना, और आपके गवर्नमेंट के समय अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो एंटी नेशनल कैसे? ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब आप किसी को, आप किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो तो वो एंटी गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करे तो वो एंटी नेशनल, ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले लगभग 5 जून को एक महिला थी सुप्रिया शर्मा, जो scroll.in में काम करती है, एडिटर है वहाँ की, वो पहुँची डोमरी गांव में। डोमरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गांव में, बनारस के पास गांव है। उस गांव में वो गई और एक रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में ये बोला कि उस गांव के लोग, जो डोमरी गांव है, उस गांव के लोग भूखे थे लॉकडाउन के पीरियड में। ये गांव इसलिए लाइमलाइट में है क्योंकि ये गांव को प्रधानमंत्री ने खुद गोद लिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक जर्नलिस्ट जाती हैं और वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करती हैं और बोलती हैं कि वहाँ के लोग भूखे थे। 5 जून को जाती हैं, 8 जून को उनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, 8 जून को उनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, 13 जून को उनके ऊपर एक FIR फाइल होता है, SC ST एक्ट के तहत फाइल होता है। तो यहाँ पे वो ये क्रिटिसाइज कर रही हैं कि मोदी जी, जिस गांव को अडॉप्ट आपने किया है वो भी लॉकडाउन में भूखे मर रहा था, तो ये तो सुना नहीं जा सकता। तो 8 जून से 13 जून लगे एक केस फाइल करने में। अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती अगर SC ST शब्दों से, तो वो उसी दिन केस किया होता, 5 दिन क्यों लगा? मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो, जो भी हो, लेकिन क्या आप इस तरीके से किसी के बोलना छीन सकते हैं? क्या इस डेमोक्रेसी का सपना आप दिखाते हैं? आप अपने कितने इंटरव्यूज में ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन जब कोई आगे बढ़ रहा है तो आप तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब 2024 में कोई इलेक्शन होने नहीं चाहिए, क्योंकि 2024 में अब इलेक्शन करा के फायदा नहीं है, मोदी जी आराम से 2029 तक रह सकते हैं। कितने लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से, कोई जज है तो वो भी कह रहा है कि इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। भैया आज तक कब इलेक्शन नहीं हुआ है भारत में? हर वक्त इलेक्शन हुआ है भारत में। और अभी जो रैली चल रही है, बिहार इलेक्शन के लिए रैली, बंगाल इलेक्शन के लिए रैली, ये सब तो इलेक्शन के लिए रैली चल रही है, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन की बात आ रही है तब ये कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अब तो मोदी जी बन गए हैं। अरे डेमोक्रेसी सबकी है, मेरी भी और आपकी भी। आप जब ऑपोजिशन में थे तब आपको रोक दिया जाता तो अच्छा लगता? क्या हम चाइना बन जाएं जहां पे अब प्रेसिडेंट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है? एक MP हैं, उनका नाम है साक्षी महाराज, वो उन्नाव से हैं, उन्नाव वही सेंगर जो रेपिस्ट है उसी के इलाके के वो MP हैं। तो उस MP का ये कहना है कि 2024 में कोई इलेक्शन नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, मतलब ये डेमोक्रेसी को क्या करना है? अगर साक्षी महाराज जो MP है उन्नाव से, अगर उनकी माने तो 2024 में कोई इलेक्शन ही नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, और अब मोदी जी लगभग 2029 तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव है और ये चुनाव देश के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हम लोग पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, केवल उन्नाव ही नहीं, जिस किसी का, क्या इस डेमोक्रेसी का सपना हम देख रहे थे? क्या इस डेमोक्रेसी के कारण हमने कांग्रेस को हटाया और BJP को लाने का सपना देखा? क्या ये है वो डेमोक्रेसी जिसमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने अंग्रेजों से कितने साल लड़ा? जरूर सोचें कि क्या इस डेमोक्रेसी की कामना हम करते हैं सच में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।